वेलकम गाइस, सत्तू की दुनिया में हम आपको दिखाएंगे आज माता वैष्णो देवी की गुफा। और उनके दर्शन तो आपने किए होंगे, हम कटरा के आसपास जो प्राचीन मंदिर हैं उनके दर्शन हम आपको कराएंगे। अगर आप वैष्णो देवी आते हैं तो एक दिन का समय और निकाल करके आए ताकि इन प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन कर सकें। जय माता दी। अब लोग हम आ गए समुंदर माता के मंदिर में और ये प्राचीन स्थान है बाबा गोगा देव का। आपको दिखाएंगे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। ये हनुमान जी हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं आप। और ये पूरा यहाँ का सुंदर प्रकृति का नजारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सुंदर नजारा। ये माँ वैष्णो देवी का पर्वत है, त्रिकुट पर्वत, माता यहाँ विराजमान है। जितने अपने मुख्य स्थान है यहाँ शेषनाग जी ने जिन्हें धारण किया हुआ है, बाबा गोगा देव का स्थान है। देखिए शेषनाग जी आपको जिन्हें धारण किया, रुद्राक्ष धारण किया और इनकी दिव्य प्रतिमा है। कटरा से कुछ किलोमीटर दूरी पर है बाबा अजीतो जी का मंदिर। अब हम हमारी टीम जो है चल पड़ी है उस तरफ, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे जो साथी है तो चिंकी अवेली को चले हैं बाबा जीतो जी के। हम चल पड़े हैं बाबा जीतो जी के मंदिर के अंदर, जहाँ राजा मंडली जी युवा चौहान श्री आगर बाबा जीतो। चलिए हम चल रहे हैं यही बाबा जीतो के मंदिर में, माँ दुर्गा जी का स्थान है, वहाँ पे लेके चल रहे हैं। बाबा जीतो जी की ये विशाल प्रतिमा है, उनके साथ माता रानी की जो उनकी बेटी के रूप में थी माँ, बाबा जीतो जी की जो माँ की गुफा की तरफ ही देख रहे हैं स्थान। रोज बाबा जो है माँ वैष्णो देवी के स्थान पे जाके नहाते थे और उनके दर्शन करते थे। बाबा जीतो के मंदिर की महिमा यहाँ है कि यहाँ पर खिलौने भी चढ़ाए जाते हैं, जिनके संतान ना हो खिलौने चढ़ाते हैं तो उनके यहाँ संतान उत्पन्न होती है। जय बाबा जी, राजा बाबा जी। बाबा जीतो के मंदिर से अब हम चल रहे हैं, नौ देवियों का मंदिर है पहाड़ों के बीच, छोटा छोटा सा मंदिर है। नौ देवियों का जो स्थान है नीचे है, काफी सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता है। नीचे नदी जा रही है, नदी के बराबर में जो पहाड़ है उन्हीं पहाड़ों के बीच माँ विराजमान है नौ देवियों के रूप में। जय माता। My whole community dance, that's when I close my eyes and talk to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like